स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस से जो डीएचओ की वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो क्या है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फिर भी आपके मन में कुछ सवाल अभी भी हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जो आपके मन में कुछ डाउट्स है जो कि आप लोग कमेंट करके लगातार ही मेरे से पूछते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो किन किन टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोग का जो एक सवाल होता है कि जो प्री के मार्क्स है इसमें वो जुड़ेंगे या फिर प्री क्वालिफाइंग होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल आपका होता है, हमेशा आप लोग लगातार ही पूछ रहे हो, देख रही हूँ मैं आजकल, कि जो आपका एग्जाम होगा वो कहाँ होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, किस तरह से आपका एग्जाम सेंटर देंगे, तो ये सारी बातें। फिर आप लोग एग्जाम में हमेशा पूछते हो कि एग्जाम जो है आपका कौन से लैंग्वेज में होगा, तमाम तरह के और भी कुछ कुछ जो भी बातें हैं जो कि आपके मन में रहता है डाउट्स, वो सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहूँगी कि डीएचओ पे और भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसको कि अगर आप देखते हैं तो आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेंगे इस भर्ती को लेकर के, चाहे इससे रिलेटेड बुक लिस्ट हो कि आपको कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी और भी कि इस भर्ती में जो इसका एग्जाम होगा, आप डीएचओ बनेंगे तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इसका जो आप नोटिफिकेशन में जो दिया है, एक एक पॉइंट पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिंक शेयर कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और एक बात मैंने देखा है कि आप लोग लगातार ही मुझे कमेंट करके बोलते हो कि डीएचओ की तैयारी कराइए, क्लास चलाइए, क्लासेस चलाने के लिए भी आप लोग कह रहे हो मुझे। तो देखिए क्या है कि मेरी कोशिश है कि मैं क्लासेस चलाऊं यहाँ पे एग्रीकल्चर की, या फिर आपको कहो तो हिंदी की, ये सब इन सब सब्जेक्ट्स की, लेकिन क्या होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। ये तो मैं आपके लिए जो वीडियोज़ है वो लेके आ जाती हूँ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके मन में कोई भी डाउट्स रहे और आप लोग इधर उधर भटके और आप भ्रमित होते रहे। तो मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग को एक सही गाइडेंस मिले, इसलिए मैं वीडियोज़ लगातार आप लोग के लिए लेके आती रहती हूँ। वैसे मेरी कोशिश है कि मैं क्लासेस चलाऊं, ठीक। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हो गई सारी बातें, अब हम लोग जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं जो कि हम लोग आए हैं इस वीडियो में बात करने के लिए। तो आप सबको बता दें कि पहला आपका जो पहला सवाल है इस बात को लेकर के कि आपका जो ये एग्जाम होगा प्री एग्जाम वो क्वालिफाइंग होगा या फिर उसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो उसके बारे में जो है आप इस सवाल का जवाब जा करके नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 में पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं। वहाँ पे क्लियर किया गया है ये चीज़ कि आपका जो प्री का मार्क्स है, देखिए मैं ये नोटिफिकेशन आपको खोल के यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो आप लोग जाके पेज नंबर 2 पे पॉइंट 5 पे देखेंगे, पढ़ेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए। तो वहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो प्री का मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो आपके मेंस के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स पे ही बनेंगे, वो उस पोस्ट में जहाँ पर इंटरव्यू है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिसमें कि इंटरव्यू नहीं है और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर कि इंटरव्यू है। तो जो जिस पोस्ट में इंटरव्यू है वहाँ पे मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, और जिस पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स में जो है आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि मेंस प्री का मार्क्स जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो प्री जो है आपका ओनली क्वालिफाइंग होगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या रहेगा। आप लोग ये भी सवाल सबसे ज़्यादा पूछते रहते हो मेरे से कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा, तो आपको बता दें कि जो आपका एग्जाम का लैंग्वेज है वो आपका दोनों ही लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वो आप अपने सुविधा के हिसाब से दे सकते हो। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ इंग्लिश में, तो आपको जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो आप एग्जाम दे सकते हो। बस मेंस एग्जाम में जो हिंदी आएगा, जो लैंग्वेज वाला पेपर होगा उसको छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है आपके दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। तो भाषा को लेके भी जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं जो आप लोग एग्जाम सेंटर की बात करते हो, पूछते हो कि एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, ये आपके मन में डाउट्स है, तो देखिए ये भी डाउट्स आपका मैं क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पे उस सेम पेज में, सेम जो मैंने अभी बताया है पेज नंबर 2 पे, सेम पॉइंट नंबर 5 पे, 5 नंबर वाले पॉइंट पे, इस बात को भी यहाँ पे क्लियर किया गया है। उन्होंने बताया है कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा प्री का, वो अपेंडिक्स 2 में वहाँ पे दिया हुआ है। जब आप अपेंडिक्स 2 पे जाते हो तो वहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया हुआ है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो 2 सिटी में होगा। आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो इलाहाबाद और आपके लखनऊ में, ये 2 जगहों पे, 2 सिटी में किया जाएगा, और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस बनेंगे, जिस तरह की कंडीशन होगी, उस हिसाब से
जो है उस समय में एग्जाम सेंटर्स की संख्या अलग अलग दूसरे सिटीज में भी किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, कोरोना के टाइम पे जो भी एग्जाम्स हुए थे, जैसे कि पहले से आर ओ की एग्जाम्स या फिर यूपीपीसीएस की एग्जाम, तो उनके लिए जो है एग्जाम सेंटर्स अलग अलग सिटी में जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाए गए थे। जैसे कि गाजियाबाद में भी एक सेंटर दिया गया था। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं या फिर कुछ उस समय का कंडीशन खराब होता है, मान लो कि कोरोना ही कुछ ज्यादा हो गया या फिर कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो उस केस में जो है आपका एग्जाम सेंटर अलग अलग सिटी में आपको फिर वहाँ पे च्वाइस भी दिया जाएगा। ऐसा यूपीपीसीएस ये सुविधाएं देती है, ये एक अच्छी बात है। ये चीजें मैंने देखा, अभी मैंने ऑब्जर्व किया था, अभी जो एग्जाम्स वगैरह हुए थे यूपीपीसीएस के उसमें। तो आप लोगों का अब ये भी डाउट्स क्लियर हो गया होगा, जो आप लोग एग्जाम सेंटर को लेकर मेरे से पूछते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, तो आपका एग्जाम जो है इन्हीं दो सिटी में होगा। तो जो भी आपके मन में डाउट्स थे मैंने इसके इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो फिर अब आप लगता है कि अब आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा डीएचओ को लेकर के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे लगता है कि चलिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग के और भी जो भी डाउट्स हैं उसमें भी वीडियोज़ बनाती रहूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपके काम के वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं खत्म करती हूँ, और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और एक बात आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख के चलिए, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। आप लोग को मैंने देखा है कमेंट्स में भी आप लोग कभी कभी बातें करते हैं कि एग्जाम जो है जून में होगा, जुलाई में होगा, तो इन बातों को आप अपने मन से निकाल दीजिए, एग्जाम जो है आपका मार्च में होगा। आप वो भी डाउट्स जो है आपके ये एक सप्ताह में क्लियर हो जाएंगे, जैसे ही एग्जाम कैलेंडर आएगा उसमें एग्जाम का डेट मेंशन होगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा भी इस बात को मतलब अपने आप को वो ना करें, रिलैक्स ना करें, लगातार पढ़ाई करते रहें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.